नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत के टाटा ग्रुप और यूरोप की एयरक्राफ्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एयरबस, इन दोनों के बीच में एक डील साइन हुई है और इस डील के अंडर भारत का टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर भारत में H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे। ये जो यूरोप की कंपनी है एयरबस, इसमें यूरोप की कई कंट्रीज का शेयर है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, लेकिन इसमें मेजर शेयर है फ्रांस का और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी फ्रांस में ही है। रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए और इसी दौरान ये डील साइन हुई है। एयरबस का ये H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है और इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है और ऐसा हेलीकॉप्टर अब भारत में मैन्युफैक्चर होगा। इस डील के अंडर एयरबस कंपनी और टाटा ग्रुप की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में इस हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करेंगे और ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी होगी इन प्राइवेट सेक्टर। अभी तक भारत में कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना हेलीकॉप्टर नहीं बनाती है और इस फाइनल असेंबली लाइन यानी FL में न सिर्फ भारत की मार्केट के लिए H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे बल्कि यहाँ से इन हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा अदर कंट्रीज में। देखिए, वर्ल्ड का सबसे फेमस हेलीकॉप्टर है और सबसे ज्यादा बिकने वाला भी, और अगर ऐसा हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा तो सोचिए इससे मेक इन इंडिया को कितना बूस्ट मिलेगा। साथ ही इससे भारत का जो कमर्शियल हेलीकॉप्टर मार्केट है उसको भी एक बूम मिलने वाला है। एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, भारत में हेलीकॉप्टर का कमर्शियल यूज काफी कम होता है। आप लोगों को मालूम है फिलहाल भारत में सिर्फ 150 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं और इसके कंपैरिजन में US में ये नंबर है 15,000। और अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगेगी एयरबस और टाटा द्वारा तो जाहिर है इससे भारत की कमर्शियल हेलीकॉप्टर मार्केट को भी फायदा होगा। टाटा और एयरबस की इस फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप करने में 24 महीने लगेंगे और ऐसी उम्मीद है यहाँ से पहला H-125 मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2026 में डिलीवर हो जाएगा। हालांकि देखिए, अभी तक इस बात को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि ये फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर सेटअप की जाएगी, यानी भारत के किस स्टेट में। आप लोग गैस करिए कि मोस्ट क्रूशियल फाइनल असेंबली लाइन भारत के किस स्टेट में जा सकती है। देखिए, ये है वो हेलीकॉप्टर H-125 जो अब टाटा एयरबस के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। ये वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो इस कैटेगरी में सभी हेलीकॉप्टर्स को बीट करता है। ये इतना फेमस है कि लगभग सभी मेजर कंट्रीज इसको यूज करती हैं और ये हेलीकॉप्टर वर्ल्ड वाइड 38 मिलियन फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही ये किसी भी कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो हाई माउंटेन्स हो या हो डेजर्ट हो राजस्थान की तरह, और इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि फायर फाइटिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, रेस्क्यू मिशंस, एयर एम्बुलेंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या और किसी पर्पस के लिए। हालांकि यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है, कोई मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर भी लैंड कर चुका है, तो सोचिए भारत के कितने काम आ सकता है। यूरोप की जो कंपनी है एयरबस, इसके कई एयरक्राफ्ट के पार्ट ऑलरेडी इंडिया में बनते हैं और ये भारत से फिलहाल लगभग $750 मिलियन के इक्विपमेंट सोर्स करती है। और अगर एक बार ये डील कंप्लीट हो गई तो एयरबस की भारत से सोर्सिंग हो जाएगी लगभग $1.5 बिलियन की। अब देखिए, जो फाइनल असेंबली लाइन सेटअप होने वाली है भारत में H-125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें इस हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगभग सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट असेंबलीज, एवियोनिक्स एंड मिशन सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हार्नेस, हाइड्रोलिक सर्किट, फ्लाइट कंट्रोल्स, डायनामिक कंपोनेंट, फ्यूल सिस्टम एंड इंजन। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में इंजन लगाया फ्रांस की सेफ्रान कंपनी का, तो हो सकता है वो इंजन फ्रांस से ही बनकर आए, लेकिन बाकी सारे जो ऑपरेशंस होंगे वो भारत में होंगे। और तो और, इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन और डिलीवरी भी भारत से ही होगी अदर कंट्रीज के लिए। भारत में इस हेलीकॉप्टर के बनने से भारत में हेलीकॉप्टर्स का यूज भी बढ़ेगा। ये मल्टी मिशन वर्कहोर्स यानी H-125 भारत के पैसेंजर और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा और साथ ही भारत सरकार की जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसको भी इससे एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो एयरबस कंपनी है इसकी भारत में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। आप लोग को शायद याद हो कि इससे पहले एयरबस कंपनी टाटा के साथ एक और डील कर चुकी है जिसके अंडर एयरबस अपने C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाएगी और इसके लिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जा रही है गुजरात के वडोदरा में। ये डील 21,935 करोड़ रुपए की थी। इसमें भारत एयरबस से 56 C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीदेगा, 16 बनकर आएंगे फ्रांस से और उसमें से 40 बनेंगे भारत में, भारत के गुजरात के वडोदरा में। ऐसी उम्मीद है कि गुजरात के वडोदरा की फैसिलिटी 2024 के मिड में बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ से नवंबर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो पहला एयरक्राफ्ट बनेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो भारत को मिलेगा सितंबर 2026 में। तो देखिए, इससे बिग न्यूज़,
के टाटा ने एक और डील की है जिसके अंडर वो वर्ल्ड का सबसे फेमस हेलीकॉप्टर बनाने वाला है भारत में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।